गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की वॉशिंग कराने, ठीक है ना, क्योंकि आज अपना ट्रिप हो रहा है शुरू। मैंने आज बोले तो कल अर्ली मॉर्निंग, मैंने बेसिकली हमारे लिए तो भाई वो आज रात ही हो गया ना, तो आज रात निकल रहे हैं हम लोग। और ये ट्रिप होने वाली है लगभग, अभी फर्स्ट फेज में तो ट्रिप होने वाली है लगभग 2000 किलोमीटर की, और उसमें से 1000 किलोमीटर तो भाई पहले ही दिन कवर करेंगे, और बाकी के 1000 के करीब के किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे बाद में नेक्स्ट डे। तो भाई ये गाड़ी चलने वाली है, वैसे ये सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम का तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था क्योंकि मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं था उसका उस टाइम, तब ये नई नई मिली थी ये गाड़ी। तो खैर एनीवेज, सो 1000 किलोमीटर्स इन अ डे, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। देखते हैं, लास्ट टाइम किया था तो बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस इसके साथ, अब देखते हैं इस बार क्या होता है। तो बाहर निकलता हूँ, बात करता हूँ। तो जी, मैं जो बोल रहा था, ट्रिप हो रहा है शुरू। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, एक्चुअली कहीं पे भी जाता हूँ वो गाड़ी कितने भी भले गंदा हो जाए, मैंने इन कोर्स ऑफ द ट्रिप मैं गाड़ी को नहला कर ही ट्रिप शुरू करता हूँ, एज इन सही से धुलवा कर। तो लास्ट टाइम यहाँ पे एक डिटेलिंग बुल्स करके एक शॉप है, आप लोग जो बेंगलोर के ईस्टर्न साइड में हो, वीआर मॉल अगर पता है तो उसके बेसमेंट में है, तो वहाँ से मैंने करवाया था। तो उससे भी बढ़िया कुछ वो मेरे को थोड़ा बहुत कॉस्टली लगा। और इस टाइम हम लोग जा रहे हैं एक और वेंडर के पास, ठीक है ना, और जगह पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, सर्विस उन लोगों की कैसी होती है, आप लोगों को बताएंगे। वही बोल रहा था कि ट्रिप स्टार्ट करने से पहले गाड़ी धुलवाना इज़ अ काइंड ऑफ कस्टम दैट आई फॉलो एंड आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर ऑल माय ट्रिप्स, इसके लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो कितना भी मेरे को टाइम शॉर्ट है, कुछ भी है, टाइम कैसे भी करके निकाल के तो मैं जाता ज़रूर हूँ, ठीक है ना। तो इस बार भी जा रहा हूँ एंड आई एम होपिंग कि दिस टाइम द सर्विस विल बी इवन बेटर। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा था लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली था मेरे ख्याल से डिटेलिंग बुल पे। तो जा रहा हूँ एक और जगह पे, देखता हूँ उसका चार्जेस वगैरह क्या है। उसका वैसे बहुत अच्छा रिव्यू पढ़ा हूँ मैं, अभी तक सर्विस नहीं लिया उससे, अभी जाने के बाद ही पता चलेगा कैसा है। तो बेंगलोर में तो भाई अभी मौसम बहुत गर्म है, पता है ना, और मेरे को यही पे अभी गर्मी लग रही है। तो इट इज़ अबाउट 36 or 37 मे बी, आई डोंट नो, चेक नहीं किया, बट हाँ वैसे उसी रेंज में रहता है, 36-26 ऐसे करके हाई लो का। मेरे को 36 में इतना गर्मी लग रहा है, सोचो कैलकाटा इज रिपोर्टिंग अ टेम्परेचर ऑफ 42 भाई, क्या ही होगा पता नहीं। और ये जो मेरे को और एक चीज़ का डर जो लग रहा है ना कि I have actually heard in many forums कि इसका जो टायर है ना, ये जो MRF का इको ट्रेड वाला टायर है, वो बर्स्ट होता है भाई। तो पता ही नहीं क्या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी एम्बियंट टेम्परेचर 42 है, गाड़ी भाग रही है मान लो 100 के स्पीड से, और वो भी उड़ीसा साइड में ना, वो सारे पूरा कंक्रीट रोड्स ही बनते हैं उधर, ठीक है ना, जैसे तार नहीं है तो कंक्रीट रोड में ये जो व्हील का टेम्परेचर है ना, टायर का टेम्परेचर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, ठीक है ना, दैट इज़ एन एड ऑन फैक्टर। अब वो पता नहीं कैसे मैनेज करूँगा इसको। मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है इसका, है ना, फॉर लेट्स से लाइक लाइटली लोडेड, इसको 32 पे रखते हैं, एंड अगर हैवीली फुल्ली लोडेड करो तो 36। अब मैं सोच रहा हूँ 36 रखूँ कि 32 रखूँ, क्योंकि सामान भी होगा, लोग भी होंगे, गाड़ी में वजन भी होगा, तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है क्या करूँ। कमेंट करके बताओ क्या करना चाहिए इस टाइप के सिचुएशन में, ठीक है ना। बट दिस इज़ अ वरीसम फैक्टर, ठीक है ना, इस ट्रिप का। बाद में वहाँ पे एक बार पहुँच गए तो उसके बाद तो चलो यार, सिटी में ही चलेगा तो मैनेज कर लेंगे कुछ ना कुछ, वो चिंता नहीं है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ कि इसका क्या करूँ। खैर एनीवेज, तो माइलेज इज़ वन मोर कंसर्न। ये पता नहीं, ये सॉफ्टवेयर अपडेट कराने के बाद 10 के ऊपर माइलेज कभी गया ही नहीं, मैं देखा ही नहीं, ठीक है ना। 8.2 ऐसा कुछ दे रहा था, अभी इट इज़ अराउंड 9.4, हाँ ऐसा ही कुछ दिखा रहा है, 9.4, ठीक है ना। तो आई डोंट नो, 9.4 तक अगर कैलकाटा में, मैंने कैलकाटा ट्रिप में अगर 9-10 का माइलेज दे देना,
भाई, I'll think of something else. गाड़ी बेचनी ना पड़ जाए मेरे को, ये ना 2000 किलोमीटर में आप सोचो 9 करके माइलेज दे रहा है, 10 भी नहीं दे रहा है, तो कितना पेट्रोल डीजल पिएगी है और खर्चा क्या ही आएगा. अभी डीजल भी तो, डीजल तो यार बहुत महंगा है ना अभी आंध्र में भाई. बैंगलोर में, कर्नाटका से आंध्र में डीजल है पता है क्या, बैंगलोर में अगर 87 होगा वहाँ पे 112 रुपये के करीब है, पता है ना, 110 112 ऐसा कुछ है, इतना डिफरेंस है. आई मीन पता ही नहीं भाई क्या है. तो खैर ठीक है, अभी फिलहाल चलते हैं शॉप पे और फिर मिलते हैं आप लोगों से. तो पहुंच गए ऑलमोस्ट, और अरे यार, तो द शॉप नेम इज द डिटेलिंग माफिया, ठीक है ना, क्या भयंकर वाली नाम नहीं है ना. और ये है द डिटेलिंग माफिया, और एक सेकेंड, द डिटेलिंग माफिया ये है व्हाइटफील्ड रोड में है, ठीक है. अब यहाँ पे गाड़ी करते पार्क और पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है, सफाई सफाई करने का. तो गाड़ी हम लोगों ने अभी दे दिया और अभी भैया लेके जा रहे हैं वॉशिंग बे पे. अच्छा हुआ ये कर लिया, देखो कितना मैल हो रहा है ना, कितना कचरा मिट्टी हो रहा है इधर. गुड दैट आई डिड इट एक्चुअली, क्योंकि सर्विस सेंटर में जाऊंगा तो दे डोंट हैव वाटर वॉश फैसिलिटी, तो ये अंदर नीचे वाला पोर्शन कटता ही नहीं है. नाउ दिस इज नीडेड, अब देख सकते हो कितना मैल है. तो मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे सेरामिक वॉश बोलते हैं इसको, तो इसमें फोम अलग से, आई मीन कुछ क्वालिटी और इसका मेथड भी अलग है. तो इसमें फर्स्ट लेयर ऑफ फोम इन लोगों ने डाला है, तो क्योंकि मेरी गाड़ी ऑलरेडी ग्राफिन कोटेड है तो फर्स्ट लेयर ऑफ फोम जो ये डालते हैं डस्ट वगैरह सब अपने आप ही नीचे आ जाएगा. एंड आई थिंक इसके बाद तुम और दो फोम यूज़ करोगे ना, और दो बार फोम डालोगे नहीं इसमें, और एक बार डालोगे. अच्छा, तो एक और बार डालने से पूरा चीज़ हो जाता, मैंने साफ हो जाएगा. तो दैट्स व्हाट द थियोरी, कुछ नया है, लेट्स ट्राई इट आउट. और ये सही में गिर भी रहा है, इफ यू कैन सी. ओके जी, तो हो गया अपना इधर वॉशिंग वाला काम ख़त्म, और गाड़ी क्या चमक रही है बॉस. Actually, this is also not that cost effective. But yeah, the good part is के they clean each and every corner of your car. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को यहाँ पे. Now coming to the cleanliness part of it, yes, it is really shining now. As you can see, देखो पूरा bonnet भी चमक रहा है ना. Okay, देखा. तो anyways, now अभी काम क्या है, घर जाना है, खाना है, और शाम को निकल के इसका थोड़ा फ्यूलिंग अप करेंगे और देन आई एम ऑल सेट बेसिकली. तो भाई एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी है ना, कि ये जो अगर गाड़ी में आपका ग्राफीन या फिर सेरामिक कोटिंग है ना, पीपीएफ नहीं, ग्राफीन या सेरामिक कोटिंग है, जैसे मेरे कार में ग्राफीन कोटिंग ऑलरेडी है, तो दे हैव अ डिफरेंट सोल्यूशन इट सीम्स. और आपका ये बेसिकली
दे डोंट यूज द सेम शैम्पू और फोम एज दे यूज फॉर अदर यू नो नॉन सिरामिक वाला कार, तो दे कॉल इट अ सिरामिक वॉश. उसका कुछ 100 rupees ज़्यादा लिया मेरे से, बट या आई गेस इज वर्थ इट बिकॉज दे अप्लाई नॉट वन बट दे अप्लाई फोम थ्राइस. तो पहला वाला जो फोम है दैट विल काइंड ऑफ इजीली ड्रिप ऑफ, वो इनिशियल स्टेज पे आपका मर्ड वगैरह जो भी है वो सारा सब कुछ वो खुद ही अपने आप ही नीचे गिर गया, ठीक है ना. एंड नेक्स्ट फेज इज बेसिकली वेयर दे वाइप इट ऑफ, जो भी बचा कुछ माने दाग वगैरह है या फिर डर्ट है तो दैट गोज ऑफ विद दैट वाइपिंग. एंड थर्ड पेंट, क्या ही मैं बता रहा हूँ यार, तो थर्ड वाला जो पेंट है तो वो बेसिकली पेंट, सी व्हाट हैज हैपेंड टू मी गॉड नोस. सो थर्ड वाला जो फोम का लेयर है तो उसमें दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वाइप आउट, दैट विल ऑल्सो वाइप आउट ऑल द रिमेनिंग सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स विच इज देयर ऑन द कार स्क्रीन. कार स्क्रीन देखा आज मेरे को, क्या ही नहीं क्या ही बता रहा हूँ मैं. एनीवेज तो अब समझ गए ना मैं क्या बताना चाहता हूँ, बस वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना. मैं क्या बोल रहा हूँ वो अब सोच, मैंने उसमें इतना ध्यान मत दो, ठीक है. वैसे भी मैं डिफरेंट मूड पे हूँ अभी, इतना एक्साइटमेंट हो रही है ना कि भाई इतने दिनों के बाद इतना बड़ा लंबा ट्रिप कर रहा हूँ तो वो एक अलग ही मज़ा होता है, ठीक है ना. वो समझा करो यार, भावनाओं को थोड़ी समझो, ठीक है. खैर एनीवेज तो अभी और कोई काम है नहीं, घर जाना है, लंच वगैरह करेंगे. ऑलरेडी बीबी बहुत गुस्सा हो गई कि इतना टाइम क्यों लग गया अभी, लाइक देर बज गया है. हम नॉर्मली वी रैप अप द लंच पार्ट ऑफ इट बाय 1 o'clock मैक्स, ठीक है. तो आज जाके घर में पढ़ने वाली है तो यार वो तो मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है. ये घर घर की बात है, वो समझ लिया करो यार. कभी भी अगर बीबी को बोले कि हाँ गाड़ी धुलाने जा रहे हो, ये सब ना बीवियों के लिए नॉन प्रोडक्टिव काम है ना. मैंने गाड़ी क्यों धुलवाना है, क्यों सर्विस करनी है, ऐसे ही मैंने खुद ही साफ हो जाएगा, लाइक तो दैट्स व्हाट दे थिंक. तो बट या मैं बिचिंग नहीं कर रहा हूँ, ये घर की बात है, घर घर की बात है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है नहीं. खैर एनीवेज तो चलते हैं आगे और शाम को फ्यूल डलवाने के बाद, रेडी होने के बाद एक कुछ आप लोगों से बात करेंगे, या नहीं तो कल ही मिलता हूँ सुबह डायरेक्टली ट्रिप पे, ठीक है. इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं कल, यानी कि जब ट्रिप स्टार्ट होगा तब, ठीक है. तो कोशिश करूँगा रेगुलरली व्लॉग्स अब से दिया करूँ चैनल पे, ठीक है. आप लोगों की प्यार है, सब्सक्राइब कर लिया करो भाई. अभी पता नहीं मेरे में शायद से अराउंड 80% ऑफ लोग जो द व्लॉग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई क्या ये एक बटन है, दबा दिया करो. फैमिली बढ़ेगी अपनी तो मेरे को भी मोटिवेशन आएगा, है ना. कुछ और नया कंटेंट करेंगे, कुछ और नया चीज़ करेंगे इस गाड़ी के साथ. एनीवेज सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप, दैट्स द लाइक बटन, और वीडियो को शेयर कर लिया करो. और डिटेलिंग माफिया का जो कॉन्टैक्ट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. इट इज़ देयर इन हुडी व्हाइटफील्ड, और ये दे हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस इन एंड अराउंड बैंगलोर, और बाहर भी होगा ये. आई थिंक इट्स अ दिल्ली बेस्ड ब्रांड, ठीक है. तो एनीवेज सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.